देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़े हालातों और हिंसक घटनाओं के बाद गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे बॉर्डर्स एरिया में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली से सटे लोनी के कुछ इलाकों में विशेष सतर्कता पुलिस बरत रही है। आईजी जोन प्रवीण कुमार भी गाजियाबाद पहुंचे हैं। इलाके में लोगों में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की जा रही है। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे भी लोनी से सटे बॉर्डर एरिया में पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि जिले में सेक्टर स्कीम दोबारा लागू की गई है। पूरे शहर को 57 सेक्टर और 18 जोन और 8 सुपर जोन में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस और प्रशासन हर स्थिति से निपटने को यहां तैयार है। वहीं आईजी जोन प्रवीण कुमार का कहना है कि बॉर्डर एरिया में सतर्कता बढ़ती जा रही है और इलाकों के प्रबुद्ध लोगों की मदद भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में ली जा रही है। पर्याप्त पुलिस की तैनाती संवेदनशील जगहों पर की गई है और लगातार इन इलाकों का दौरा कर भी अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बेकाबू है जिस हिसाब से, उस हिसाब से गाजियाबाद में देखिए, हम लोगों ने जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से वहाँ पर सतर्कता रखते हुए पूरी व्यापक दृष्टि रखी हुई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखे गए हैं और लगातार हर घटना पर दृष्टि रखते हुए अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की गई है और लगातार लोग पहुँच सर। कितने फोर्स लगाया गया है? ये पर्याप्त फोर्स लगाया गया है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से है। डिफरेंट स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर भी, मिश्रित जनसंख्या जहाँ जहाँ पर वहाँ पर भी, और हम लोग लगातार पेट्रोलिंग में पर हैं। और जो भी हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन सबको हम लोग सहयोग सर। लोगों की स्थिति कितने दिनों में काबू में आ सकती है? नहीं, काबू में है और हम लोग लगातार सतर्क हैं।